हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इफिशियंसी मेथड टाइम एंड वर्क के लिए क्या होती है। हमने एक सिंपल सा प्रॉब्लम भी लिया था जिससे होपफुली आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। इफिशियंसी क्या होती है वो भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब इस वीडियो में एक सिंपल सा प्रॉब्लम ले रहा हूँ, ये भी बस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए। इसके बाद में जो वीडियोज बनेंगी उसमें जो एडवांस प्रॉब्लम्स रहेंगे वो मैं ले लूंगा। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ए एंड बी कंप्लीट योर वर्क इन 6 days इफ दे आर वर्किंग टूगेदर। If A is working alone, he finishes the same work in 18 days. How many days will B take if he decides to work alone on the project? देखो क्वेश्चन सिंपल हिंदी में बोल रहा है, A और B जो है वो दोनों मिलके एक काम 6 days में कंप्लीट कर रहे हैं। A जो है वो जब अकेला काम करता है तो वो जो पूरा वर्क रहता है वो 18 days में कंप्लीट कर लेता है। और जो भाई अपना B जो बैठा हुआ है वो अकेला, अगर वो अकेले काम करना स्टार्ट कर दे तो उसको कितना टाइम लगने वाला है। प्रॉब्लम सिंपल है, लास्ट वीडियो में सबसे पहला स्टेप कौन सा था, एलसीएम फाइंड करना था। तो यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना है फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे आपके पास दो नंबर है, 6 days एंड 18 days, इनका एलसीएम फाइंड करना है। बड़ा नंबर कौन सा है, 18 है, तो 18 का यहाँ पे हमें टेबल लिख लेते हैं, 18, 36, 54। यहाँ तक जाने की जरूरत है नहीं, ये जो 6 है वो 18 को डिवाइड कर पा रहा है और ये जो 18 है वो भी 18 को डिवाइड कर लेता है। तो हमें यहाँ पे एलसीएम मिल गया, एलसीएम कितना हो गया अपना 18 हो गया। तो 18 हमें क्या हो गया, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क हो गया, मिल गया अपने को टोटल अमाउंट ऑफ वर्क मिल चुका है। अब हमारे पास ए एंड बी 6 days है तो हम क्या करेंगे, लास्ट टाइम हमने जो एक टेबल बनाया था उसी तरह से एक टेबल बना लेंगे। तो यहाँ पे लिखते इफिशियंसी, यहाँ पे लिखते ए एंड बी, क्योंकि ए और बी दोनों साथ में वर्क कर रहे हैं, और यहाँ पे ए, यहाँ पे डेज जो यहाँ पे है 6, यहाँ पे 18, और यहाँ पे लिखते हैं टोटल अमाउंट ऑफ वर्क, दैट इज नथिंग बट 18। लास्ट टाइम मैंने जब आपको ये एक्सप्लेन किया था तब मैंने क्या किया था, एक फॉर्मूला लिखा था यहाँ पर, वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी, और हर टाइम मैं क्या कर रहा था, ये वैल्यूज उठा के यहाँ पर पुट कर रहा था और यहाँ से जो है वो एफिशिएंसी फाइंड कर रहा था। देखो एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपको एक प्रॉब्लम मिनिमम 20 to 30 seconds में सॉल्व करना है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला हर बार नहीं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे देखो एफिशिएंसी इज इक्वल क्या हो गया, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, फॉर्मूला मिल गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे टोटल वर्क है अपने पास 18, अपने पास एक डेज, टोटल अमाउंट ऑफ टाइम है 6, तो यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी होगी, 18 डिवाइडेड बाय 6, यहाँ पे 18 डिवाइडेड बाय 6 एफिशिएंसी कितनी मिली, 3 मिली। तो यहाँ पे देखते हैं टोटल अमाउंट ऑफ वर्क 18 है, टोटल टाइम 18 है, तो 18 डिवाइडेड बाय 18 एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 होगी। तो देखो यहाँ पे एक चीज मेरे को बताओ, ये जो 3 है वो क्या है, ए और बी अगर दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो वो एक दिन में 3 काम खत्म करेंगे, और जो ए है वो अगर एक दिन में अकेला काम करेगा तो वो 1 काम खत्म करेगा। तो अगर हमें बी का अगर वर्क फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली ये ए और बी से ए को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही करते हैं, 8 + b - a, बी बचा, यहाँ पे 3 - 1, यहाँ पे 2 बचेगा, तो ये 2 क्या हो गया अपना इफिशियंसी ऑफ बी। तो अपने पास इफिशियंसी ऑफ बी मिल चुकी है, हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ वर्क है जो है 18, हमें फाइंड करना है टाइम, तो अपने पास फॉर्मूला ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वो है वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। तो यहाँ पर वर्क लिख देते हैं 18, इफिशियंसी हमें पता हो चुकी है वो है 2, और टाइम हमें फाइंड करना है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, 18 / 2, आंसर आ गया 9। तो हमें टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगने वाले हैं बी को अगर वो काम कंप्लीट करना है, 9 days। देखो फिर से समझा रहा हूँ शॉर्ट में, पहले हमने क्या किया, हमारे पास दो नंबर है ए एंड बी है, और ए है, ए और बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं तब 6 days लग रहे हैं, जब ए अकेला काम कर रहा है तो 18 days लग रहे हैं, और बी कितने टाइम में कंप्लीट करेगा वो हमें फाइंड करना है। तो पहले हमने एलसीएम निकाल लिया, 6 और 18 का एलसीएम था अपना 18, वो हो गया अपना टोटल अमाउंट ऑफ वर्क। उसके बाद में हमने क्या कर लिया, इसकी ए और बी कंबाइंड जो एफिशिएंसी है, कंबाइंड जो वर्किंग कैपेसिटी है, उसको हमने फाइंड कर लिया। तो उससे हमने क्या किया, 18 को 6 से डिवाइड कर लिया, 3 आ गया, और ए की एफिशिएंसी के लिए 18 / 18 वो हो गया 1। ए और बी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, ए एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो बी ऑब्वियसली एक दिन में कितने काम करेगा, 2 काम करेगा, तो हो गया अपनी एफिशिएंसी। फिर हम बी की जो एफिशिएंसी थी उसको फॉर्मूले में डाल दिया, वर्क इज इक्वल टू 18 = बी की एफिशिएंसी इनटू टाइम, यहां से हमें बी का टोटल टाइम मिल गया वो है 18 / 2 = 9 days। देखो प्रॉब्लम खत्म हो चुका है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना। थैंक यू।